लास्ट वीक बाबा ने संकल्पों की गति पर बहुत ध्यान खिंचवाया और मैंने देखा है कि एक छोटी सी बात से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ तक हम देही अभिमानी स्थिति में हैं और कहाँ तक हम देह अभिमान की स्थिति में हैं, अंतर्मुखी है या बाहरमुखी है। एक बात से बहुत जल्दी पता चल जाता, आप ये देखो कि आपके संकल्पों की स्पीड कितनी चल रही है। यदि संकल्पों की स्पीड फास्ट चल रही है तो उसका मतलब ध्यान बाहर है, देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमान में है। और जिस घड़ी हम अपने संकल्प पर मालिक होकर के उसकी स्पीड को स्लो करते हैं, धैर्यवत करते हैं, तो उसमें हमें सहज ही पता चलता है कि आत्म स्मृति अथवा आत्म स्थिति हमारी बन रही है। तो ये एक बात पर हम ध्यान रखें कि कोई भी बात में कहाँ तक हमारे संकल्प की स्पीड किस प्रकार से चल रही हो। और यदि हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि जब फालतू बातें सोचते हैं, गाड़ी छूट गई, फिर बाद में सोचते हैं कि ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, परंतु तब तक गाड़ी छूट गई। परंतु यदि हम पहले से ही ध्यान रखते हैं, उसमें बाबा एक बार कहा था, सोचने से पहले सोचो, सोचने से पहले सोचो, मतलब एक बारी घोड़ा भागने लगा, फिर उसके पीछे पीछे आप भागो और उसको पकड़ने की कोशिश करो तो बहुत मेहनत की बात है। परंतु यदि लगाम आपके हाथ में है और घोड़ा अभी तक छूटने गया है, तो आप उस घड़ी ये सोचो कि क्या इस रास्ते पर अपने संकल्प को ले जाने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। तो जब अपनी शक्ति को इस तरह से समझ करके मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि फालतू संकल्प हमारे न चले, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी बचती जाती है, फिर जब योग का टाइम होता तो उसमें हम अपने संकल्पों को धीरे धीरे चला सकेंगे। संकल्प फास्ट नहीं चलते हैं योग के समय या ज्ञान के मंथन के समय, संकल्प धीरे धीरे चलते। और फिर एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में वो कुछ मार्जिन होती, तेज़ संकल्प नहीं। एक संकल्प आया, थोड़ा साइलेंस, फिर दूसरा संकल्प, और वो जो संकल्पों के बीच में वो गैप है उसको हम बढ़ाते चले। और वो कैसे, क्योंकि हर संकल्प का हम अनुभव कर रहे हैं, इस कारण से जल्दी जल्दी संकल्प नहीं आते, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, परंतु अनुभव करने की बात। तो वास्तव में वो शांति, मेरा स्वधर्म क्या है, जब हम वो अनुभव कर रहे हैं तो उस करी संकल्प नहीं चल रहा है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पहले संकल्प किया, परंतु फिर जब अनुभव करने लगे उस समय मन में साइलेंस है, आत्मा अनुभव में खोई हुई है। दूसरा संकल्प आने में कुछ समय लगता। तो ये जो बीच बीच में हमें थोड़ा सा अनुभव होता साइलेंस का, इस साइलेंस की शक्ति को हम बढ़ा सकते। और उसमें बाबा दूसरी भाषा में कहते हैं कि बच्चे आप बीज रूप स्थिति में रहेंगे तो उस बीज रूप स्थिति में आपके पूर्व जन्मों के अनेक जो भी कुछ हिसाब किताब की बातें हैं, विकर्मों की बातें हैं, वो बीज रूप स्थिति में वो समाप्त होंगे।
to watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.